देखिए दिनांक 24 तारीख की रात्रि की घटनाक्रम है। ये थाना लामटा अंतर्गत जैन मंदिर है। उस जैन मंदिर में रात में एक चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट सुबह आई थी। इसमें अपराध क्रमांक 115-22 थाना लामटा में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान जितने भी पुराने चोर हैं, चाहे वो लामटा के हो, चांगोटोला के, परसवाड़ा के हो, साथ ही बमनी और सिवनी के भी, इनसे इनके संबंध में पूछताछ की जा रही थी। और चूंकि आप जानते हैं मंदिर में चोरी होना एक गंभीर घटना के रूप में लिया जाता है, तो पुलिस टीम बनाकर एसडीओपी परसवाड़ा के निर्देशन में लगातार इस पर पूछताछ की जा रही थी। इसी तारतम्य में आज सवेरे ज्ञात हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा या यूं कहें कि चोर के द्वारा लामटा थाने के बाहर में एक गड्ढे के अंदर जितने भी जेवरात जो चोरी गए थे, भगवान के जो मुकुट वगैरह थे, उनको जो है रखकर और एक उसमें पत्र उसके द्वारा छोड़ा गया है। तो अभी उस पत्र को भी जब्त किया गया है और जेवर भी जब्त कर मंदिर समिति को वापस किए जाएंगे। सर पत्र में क्या लिखा था सर? उसके द्वारा जिसमें माफ़ीनामा लिखा गया है कि उसने चोरी की है, उससे पाप हो गया है, जिसके कारण वो परेशान है और वो लामटन का क्षेत्र का निवासी है, ऐसा उसके द्वारा लेख किया गया। परंतु हो भी सकता है कि ये पुलिस को ध्यान भटकाने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए लिखा गया हो। इस संबंध में भी पूरी विवेचना करेंगे कि आखिर वो चोर कौन था, हम चोर के बारे में पतासाजी करेंगे।